महासमुंद के पिथौरा में तहसील अधिवक्ता संघ नरेश्वर सैलानी अध्यक्ष और राकेश दीक्षित उपाध्यक्ष चुने गए हैं। चुनाव में 29 वकीलों ने भाग लिया। पहली बार हुए तहसील अधिवक्ता संघ के चुनाव में अध्यक्ष पद के लिए 3 प्रत्याशी श्याम सुंदर एरन, तुलसीराम डडसेना और नरेश्वर सैलानी मैदान में थे, जबकि उपाध्यक्ष पद के लिए राकेश दीक्षित और लोकनाथ डडसेना के बीच मुकाबला हुआ। संघ के कनिष्ठ उपाध्यक्ष महिला वर्ग से 2 प्रत्याशी चुनावी मैदान में थीं। वोटिंग में नरेश्वर सैलानी को 15, श्याम सुंदर एरन को 11 और तुलसीराम डडसेना को 2 मत मिले, जबकि 1 मत निरस्त किया गया। अधिवक्ता संघ पिथौरा का यह पहला चुनाव है। अध्ययन के बाद चुनाव किया जाना आवश्यक होता है नियमों के अनुसार। मतानुसार चुनाव हो रहा है। अध्यक्ष का देखो 3 उम्मीदवार मैदान में है, संघर्ष है। कुल 29 अधिवक्ता मतदान करेंगे। पहली बार जैसे पिथौरा बाहर न्यायालय में पहली बार चुनाव हो रहा है, तो हम लोग भी बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं कि चलो चुन कर आए हुए प्रतिनिधि आएंगे और वो सब बारिश से संके उनके लिए उसके फायदे के लिए काम करेंगे। पिथौरा अधिवक्ता संघ में पहली बार मतदान हो रहा है और मतदान करके जो है सभी मतदाताओं में जो है उत्साह की लहर है, सबको अच्छा प्रतिनिधित्व चुनने का मौका मिला है।